What's up guys? तो क्या हाल चाल है सबके? मस्त एकदम। वो डायलॉग आया था, जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो समझ ही गए होगे, सम्राट की पाठशाला चैनल से वीडियो है आप लोग के लिए। टाइटल है मीम ऑफ द ईयर एपिसोड 2। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देखो भाई की, और फिर साथ में रिएक्शन एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब। और भाई मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, रेडी? और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 Hey, y'all, come look at this. हेलो, कॉल करें क्या? कॉल ही करती हो? फ्री हो ना? हाँ। कॉल करें क्या? ओह, कॉल ही नहीं करती हो? बताओ ना। क्या? कॉल करें क्या? कॉल ही नहीं करती हो? अगल बगल कोई है नहीं ना? नहीं। कॉल करें क्या? ओह, क्या है? कॉल ही नहीं करती हो? अरे सच सच बोलो ना। क्या? कॉल करें क्या? तो करना। भाई परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे तो ये क्या था ये? तो क्या हाल है? वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मोटी। यार सच बताऊं ना, तो इस सीरीज की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, और हमें करे हुए इस सीरीज को 3 महीने भी हो गए हैं। वाह भाई वाह, इतना आलसी हूं यार मैं। वैसे इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हाँ तो भाइयों, मीम ऑफ द ईयर अध्याय 2 का आरंभ करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भाई लोग, देखते हैं आप लोगों ने कौन कौन से मीम्स भेजे हैं मुझे। पहला मीम, एनी स्पेशल टैलेंट? आई कैन टेल द नेम ऑफ द पॉर्न स्टार बाय जस्ट लिसनिंग टू द वॉइस। अबे तुम लोग कितना ठरके समझते हो यार मुझे। अबे आवाज सुन के कौन किसका नाम बता सकता है यार? फोटो देखकर तो एक बार को मैं बता भी दूं, लेकिन आवाज सुन के कदाप ही नहीं भाई। अबे ये कोई शब्द वेदी बाण विद्या थोड़ी है जो मैं आवाज सुन के बता दूं। वीडियो में तो वो चिल्लाती रहती है, अब उनकी चिल्लाहट सुन के कोई आवाज बता दे भाई, इतना टैलेंट तो मेरे अंदर नहीं है। इतना भी घोट कर नहीं पिया भाई सब मैंने इन सब चीजों को। अगला मीम, फेसबुक पर हुआ था प्यार लेकिन फेक आईडी निकली, बट प्यार सच्चा था। अबे मानता हूँ मैं सिंगल हूँ, लेकिन इतना भी सिंगल नहीं हूँ भाई साहब, कि दूसरों के साथ इसको फरमाता फिर हूँ। क्या हो रहा है? नेक्स्ट मीम, द रीजन व्हाई कपल्स बुक कॉर्नर सीट्स इन मूवी थिएटर। बॉयज हॉर्न बजाने के लिए, और गर्ल्स माइक पकड़ के गाना गाने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई, मैं उन बदनसीबों में से हूँ जो कभी लड़की के साथ मूवी देखने नहीं गया, तो हॉर्न बजाने का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। और जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पहले एक हॉल था, और उस हॉल पर दुनिया जहाँ की वो पिक्चरें लगती थी जिनका नाम जिंदगी में कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। मतलब निखालस ठरकी मूवी भाई साहब। जैसे ये जंगल में ओए ओए, अबे काहे का ओए ओए भाई, कपड़ा पहना के लड़की को ले आए। अबे हमें भी पता है कौन से ओए ओए करेंगे साले। यही नहीं, अभी और सुनिए, कच्ची जवानी पोस्टर देख रहे हो? मतलब इन सालों को सब पता है कि भाई साहब लड़की की जवानी कच्ची है कि पक्की है। अब और सुनो, प्यासा दरिंदा पोस्टर देख के समझ आ रहा होगा तुम लोगों को कि दरिंदा किस चीज का प्यासा है। बेटा इस मूवी में असली मजे तो दरिंदा ही ले गया होगा, ऐसी मूवी लगती थी मेरे यहाँ। और कमाल की बात तो यह है कि लोग देखते भी थे इन मूवियों को, और जब तक हम मूवी देखने लायक हुए तब तक साला हॉल ही बंद हो गया। तो ना हम जंगल में ओए ओए देख पाए, ना साला कभी हॉर्न बजा पाए। वैसे मैं आप लोगों को सतर्क कर दूं, जो कपल भाई साहब हॉल में सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि अंधेरे का फायदा उठा के वो हॉर्न बजाएंगे या लड़की को माइक पकड़ के गाना गवाएंगे, तो भाई साहब ऐसा है हॉल में ना सीसीटीवी लगा होता है। तो जो लोग सोचते हैं ना यार 3 घंटे हॉल में अंधेरे में हॉर्न बजाने को मिलेगा, या अंधेरे में लड़की से माइक पकड़वा के गाना गवा लोगे तुम, तो ध्यान रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की तो माइक पकड़ के गाना गा रही हो और तुम्हारे लाइव परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग कहीं और चल रही हो। देख रहे हो मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। He looks like me, but he's not my father. He's my neighbor. असल में अंकल अपना जुगाड़ लगा रहे थे, और अंकल के गुप्त मतदानों का नतीजा है यो। ये मूवी बड़ी मस्त थी दोस्तों। जिस प्रकार बच्चे के सेहत के लिए जरूरी है बच्चे की माँ की दूध, उसी प्रकार दोस्तों एक पति के लिए जरूरी है बच्चे की माँ की खुशी। पहली बात तो इस शायरी की राइमिंग ठीक नहीं है, और राइमिंग के हिसाब से जो चीज यहाँ सटीक बैठ रही है ना, असल में बच्चे के बाप को खुशी वही चीज देती है। शादी शुदा आदमी को वो खुशी ना मिले ना, तो आदमी बावला हो जाता है। याद तो होगा तुमको ये वाला लौंडा। तो तुम क्या रिपोर्ट कर रहे हो? सर हमें रिपोर्ट ये लिखा रहे हैं कि हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे। वहाँ पहुँच गया ना, दे तो ना दे तो पुलिस के रिपोर्ट करेंगे सर। तो भाई कौन धारा नहीं बनी, कौन धारा मान चल बोलेंगे न्याय करो, तुम न्याय करो, सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। नेक्स्ट मीम, हिज लास्ट होप।
क्या हो रहा है? अबे कोई रोक लो इसको, देखो इस नादान परिंदे को। इसे लग रहा है कि जैसे अभी खुल जा सिमसिम बोलेगा और चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल जाएगा। अबे चैम्बर ऑफ सीक्रेट खोलने के लिए कलाकार भाषा का उपयोग करना पड़ा था। खुल जा सिमसिम बोलने से खुल रही होती चीजें तो हम सारे सिंगल थोड़ी बैठे होते। वैसे इस मीम से ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है अपने बचपन का, पता नहीं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो कर देते हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात तब की है जब हम छोटे हुआ करते थे, है ना। तो मैं एक दिन शाम को अपने दोस्त के यहाँ गया तो उसके यहाँ ना मैगजीन थी और उस मैगजीन में एक बहुत ही हॉट लड़की की फोटो आई हुई थी, है ना। और हम लोग तो बच्चे थे यार, मतलब इतने भी बच्चे नहीं थे, मतलब समझ में सब चीज आता था लेकिन ज्ञान नहीं था इन चीजों का। तो वो जो मॉडल थी ना उसने कपड़े के नाम पर ऊपर शर्ट पहन रखी थी और नीचे स्कर्ट पहन रखी थी और वो नीचे बैठी हुई थी और स्कर्ट में था अंधेरा। फिर उस दिन हम दोनों वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक ने एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, टॉर्च जला कर देखते हैं। हमें बहुत लग रही थी। क्या मतलब वो टॉर्च जलाने वाला आइडिया मेरा ही था? नहीं नहीं मेरा आइडिया नहीं था वो। जो हंसी है नहीं वाली, मतलब देख रहे हो कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, उसके बाद भी लड़कियां भैया बोल जाती है। क्या शरम बरम नहीं आती है क्या तुमको? चल नेक्स्ट मीम। एनी गेस व्हाट हैपेंड हियर लास्ट नाइट? जिस प्रकार की अद्भुत कलाकृति हमको यहाँ दिखाई जा रही है ना, इसका मतलब यह है कि रात को यहाँ पर गुप्त मतदान हो चुका है। दोनों पक्षों द्वारा किए गए गुनाहों के निशान है और जरूरी नहीं है ये निशान उसके बॉयफ्रेंड ने ही बनाए हो। आजकल बेस्ट फ्रेंडों के खाते ज्यादा खुल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? आप ये वाला मीम देखो। जरूरी नहीं है कि हर लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड से भी काम चला लेती है। सच बात है, आजकल फ्रेंड विद बेनिफिट वाली चीजें काफी ट्रेंडिंग में है। और हो भी क्यों ना, बिना बॉयफ्रेंड की चिक चिक के सारे काम हो रहे हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो ऐसी फ्रीडम किसे नहीं चाहिए। अब आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं सिंगल हूँ, बॉयफ्रेंड मुझे कोई बनाती नहीं है, तो अब मैं बेस्ट फ्रेंड ही बनाऊंगा। बहुत स्कोप है भाई साहब, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो साला चार लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड है यार। मैंने उसको बोला भाई तू तो इतनी लोड क्यों ले रहा है, थक जाएगा, एक आध लड़की का बेस्ट फ्रेंड मैं बन जाता हूँ। उसने मुझे प्यार से एक बात बोली, कहानियां सुना सुना के चिढ़ाता है यार मैं हमको। बस उसी दिन मैंने कसम खा ली कि भाई साहब अब से बॉयफ्रेंड बनना ही नहीं है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बनना है। तो सुनो, जो भी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो ना, छोड़ो उसको, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। नेक्स्ट मीम। कोमल सिंह मेबला इज कोला, व्हाट इज योर नेम? सुमन मगर जी कह रहे हैं आई हेट दिस गेम। सुमन का सू और मगर का अर सुअर। नहीं बनता है, तुम्हारा हेट करना बनता है। जाहिद मर्चेंट जी कह रहे हैं पोस्ट डिलीट कर। क्यों भाई? जाहिद का जा मर्चेंट का एंड। भाई इसका 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 पोस्ट डिलीट करवाना बनता है। अबे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, मेरा क्या बनेगा? सम्राट शुक्ला, सम्राट का सा, शुक्ला का ला, साला। मुझे खेलना ही नहीं है ये घटिया गेम है साला। वैसे यार ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है ना। एक काम ना करें, जैसे ये नाम बन रहे हैं ना, आप लोग अपना नाम लिखो कमेंट में और मैं अगली वीडियो इसी चीज पे बनाऊंगा। तो ये पक्का रहा, अगली वीडियो आप लोगों के कमेंट्स पे ही बनेगी। खैर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और बाकी कमेंट जरूर करना। अगली वीडियो आप लोगों के कमेंट पे ही है, ध्यान रखना। बाकी बता, तू बता ये कमेंट अपना नाम के स्टार्टिंग का और उसका जो लास्ट का है, समझ गए जो जो समझदार अपने नाम का स्टार्टिंग लास्ट का लिख देना। और भाई 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 कह रहा है आपसे कंधा बनना है, बेस्ट फ्रेंड स्कोप ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। और जो तरीका है ना मीम, नॉर्मली हम हर एक करते रहे, लेकिन जिस तरीके से भाई करता है ना, सम्राट भाई ऐसा कर देता है अलग ही। एक तो अपनी वो हरामी वाली स्माइल लगा के, और जो बैकग्राउंड में आवाज नहीं लगाता, और एक वो अंकल भाई साहब हमेशा रहते हैं, वो कंबल ओढ़ के बैठे रहते हैं। चला जा। मजेदार वीडियो थी और इसमें काफी सारे मीम देखने को मिले जिसमें सम्राट भाई ने वो उठा दिया। मेरी शक्ल मेरे पड़ोसी, ये मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन वो लड़का तो भाई साहब अंत है, मतलब कि वो भाई उसने वो अभी नादान परिंदा है। बिल्कुल सही कहा भाई ने कि वो अभी उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या उसके साथ। वो फोटो भी डाल रही है, ये अंकल मेरे दोस्त है, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, बिल्कुल अरे पड़ोसी है बिल्कुल। भाई साहब कहता है जहरी भाई, एक लाइक तो बनता है उस लड़के के नाम पर नादान परिंदे के लिए। और वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, और मीम आपका सबसे तगड़ा मीम कौन सा था इस वीडियो से जरूर बताना। और आप पुरानी वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो सम्राट भाई की, जिन पे आप रिएक्शन चाहते हो। लाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और बताना वीडियो कैसे लगी, कमेंट करा करो यार, अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय। अपना नाम भी कमेंट करना है इसी वाले उसमें। हाँ ये बुद्धि लगा रही है, वाह बाय, टेक केयर।